माझं प्रेझेंटेशन दिसतंय सगळ्यांना, स्क्रीन दिसते माझी, आवाज येतोय क्लिअरली? ओके जे स्टुडंट्स लेट जॉईन झाले त्यांनी पण त्यांचे नोटबुक सोबत घेऊन बसायचे, बिकॉज टुडे यू आर गोइंग टू सॉल्व एक्झाम्पल्स. चला 8 वाजता आपण सुरू करूयात. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 23 पर्यंत कव्हर केलेला आहे, बरोबर? प्रॅक्टिस सेट 23 काय होता? राईट द रॅशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर. ओके, तुम्हाला कुठलेही दोन रॅशनल नंबर दिलेले होते आणि त्याच्यामध्ये येणारे किंवा बिटवीन लाय होणारे जे रॅशनल नंबर आहेत ते आपल्याला लिहायचे होते, बरोबर? हा प्रॅक्टिस सेट आपण कम्प्लीट केलेला आहे. आता आपला नेक्स्ट टॉपिक जो आहे दॅट इज डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रॅशनल नंबर. ठीक आहे, म्हणजे कुठल्याही एका रॅशनल नंबरला आपण डेसिमल फॉर्म मध्ये कसं लिहू शकतो. तर बघा, इथे पहिलं एक्झाम्पल काय दिलं आहे, राईट द रॅशनल नंबर डिवाइडेड फोर इन डेसिमल फॉर्म. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला 4 ने 7 ला डिवाइड करायचं. ओके, 4 ने 7 ला डिवाइड करायचंय. कसं करणार आपण डिवाइड? तर इथे त्यांनी सोल्युशन पण दिलेलं आहे. ओके, पण मी व्हाईट बोर्ड वर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप हे करून दाखवणार, सो दॅट तुम्हाला समजेल की एक्झॅक्टली होत आहे काय. ओके, नाउ 4 अँड वी आर डिवायडिंग 7 बाय 4. ओके, मला व्हाईट बोर्ड दिसतोय सगळ्यांना? आय एम जस्ट चेकिंग युअर मॅसेज. व्हाईट बोर्ड दिसतोय व्यवस्थित? फॉन्ट ठीक आहे? ओके, चला ठीक है. 4 डिवाइड बाय 7. बघा, 4 1 जा 4. ओके, एंड 4 2 जा 8. पण 8 जो आहे दॅट इज बिगर दॅन 7, सो वी कॅन नॉट टेक 8. ओके, सो वी आर टेकिंग 4 1 जा 4. ठीक आहे, इथपर्यंत घेतलं? मग 7 मायनस 4 इज 3, करेक्ट? आता बघा, 4 च्या टेबलमध्ये 3 येत नाही. ठीक आहे, मग आपण काय करणार, इथे एक डेसिमल पॉइंट देणार आणि त्या 3 च्या नंतर एक 0 घेणार, बरोबर? हा, आता 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 अँड 4 7 जा 28. ओके, 28. आता राहिले किती? 0 2 राहिले. ओके, रिमाइंडर इज 0 2. नाउ अगेन वी कॅन पुट अ 0 हियर. नाउ नाउ 4 5 जा 20. ओके, मग 20 मधून 20 गेले, राहिले 0 आणि आपली जी डिव्हिजन आहे किंवा आपला जो क्वोशंट आहे, व्हॉट इज इट? इट इज 1.75. आय विल राईट द आन्सर हियर, 1.75. म्हणजे काय? म्हणजे 7 डिवाइडेड बाय 4 कॅन बी रिटर्न ॲज 1.75. ओके, 7 डिवाइड बाय 4 कॅन बी रिटर्न ॲज 1.75. ओके, तर तुम्हाला डिव्हिजन समजली का ती?
आई होप तुम्हारा समझ गया था, बिकॉज इट्स वेरी इजी डिविजन। मैं समझ ले पाएगा ना। ओके आई जस्ट रिपीट क्विकली, बड़ा जनरल समझ लेते हैं लक्ष्य देखे। 4 7 4 1 4, ओके रिमाइंडर 3। मम्मी इथे डेसिमल पॉइंट दिला, इथे 0 घेतला। 4 7 28, ओके राहिले इथे 0 2, परत मी इथे 0 देऊ शकतो। 4 5 20 एंड द रिमाइंडर इज 0, सो दैट आवर डिविजन हैज एंडेड। ओके नाउ द आंसर इज दिस, सो वी कैन से दैट वी कैन राइट 7 डिवाइडेड बाय 4 एज 1.75। ओके आता समझ ली असावी अशी मी अपेक्षा करतो। ठीक है आता मी दुसरे एक एक्झाम्पल घेतोय, हे एक्झाम्पल झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी देणार। तुम्ही तुमच्या नोटबुकवर एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आणि मला तुमचं जे आन्सर आहे ते नोटबुक मध्ये सॉरी चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवायचे। ओके नाउ आई एम टेकिंग द एक्झाम्पल सेकंड एक्झाम्पल दॅट इज दिस एक्झाम्पल। ठीक आहे, 4 सॉरी 2 अँड राईट 2 अँड 1/5 इन डेसिमल फॉर्म। आता आपल्याला काय करायचं आहे, याला प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये अगोदर कन्वर्ट करायला लागला। ठीक आहे, प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येतं का? ज्यांना ज्यांना कन्वर्ट करता येतं त्यांनी कन्वर्ट करायचं आणि चॅट बॉक्स मध्ये त्याचं रॅशनल फॉर्म लिहायचं, प्रॉपर रॅशनल फॉर्म। ओके लिहा, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा 2 अँड 1/5 रॅशनल फॉर्म लिहायचं आहे। आपण रॅशनल नंबर एम डिवाइड बाय एनच्या फॉर्म मध्ये लिहितो ना, तशा फॉर्म मध्ये त्याला लिहायचंय। Can anyone write it? I am waiting for your replies in the chat box. I have taught you this in the last lecture. Gaurav has written 2 by 1. No, Gaurav, it's wrong. Ten by five. That is also wrong. See, Saili, what we have to do is we have to write 2 and 1/5 in m divided by n form or एक proper rational form. ठीक आहे, आपल्याला हा जो नंबर दिलेला आहे ना 2 and 1/5, हा आपल्याला अगोदर प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे आणि नंतर त्याला डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं। ओके तर तुम्हाला मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं, तुम्हाला बहुतेक लक्षात नसतात, मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो। ठीक आहे बघा, 2 and 1/5 याला आपल्याला रॅशनल फॉर्म मध्ये किंवा त्याच्या प्रॉपर फॉर्म मध्ये एम डिवाइड बाय एन च्या फॉर्म मध्ये जर आपल्याला अगोदर कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण काय करतो, या दोघांची मल्टिप्लिकेशन करतो। ओके 2 मल्टिप्लाइड बाय 5 दॅट इज 10। ओके 10 प्लस दिस न्यूमिरेटर दॅट इज 11। ओके अँड द डिनॉमिनेटर इज ऍज इट इज, सो आवर नंबर विल बी 11 डिवाइडेड बाय 5। सांगा मला कोणाकोणाला आठवतं की लास्ट लेक्चर मध्येही मी तुम्हाला लास्ट क्लास मध्येही तुम्हाला मी अशा प्रकारचं कन्वर्जन सांगितलं होतं। 11 डिवाइडेड बाय 5 दॅट इज अवर प्रॉपर रॅशनल फॉर्म। आठवतंय, एनीवन रिमेंबर इट? या आय टॉट यू। ओके आता आपण काय केलं, त्याला प्रॉपर रॅशनल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं। ठीक आहे, एम डिवाइड बाय एन च्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला कन्वर्ट केलं। आता आपल्याला काय करायचे, त्याला डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचे। ओके डेसिमल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्ही काय करणार, 11 ला 5 ने डिवाइड करणार। ओके आता 11 ला 5 ने डिवाइड कसं करायचं हे एक्झाम्पल पण मी सॉल्व करून सांगतो, त्याच्यानंतरचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला स्वतः सॉल्व करायचे आहेत। ओके बघा, आता 5 मी लिहिणार इथे, 11 लिहिणार इथे। ठीक आहे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 इज लार्जर दॅन 11, सो वी आर नॉट टेकिंग 15। ओके वी आर टेकिंग हिअर सिम्पली 10, 5 2 जा 10। ओके नाउ द रिमाइंडर इज 1, 11 मायनस 10 दॅट इज 1, करेक्ट, सो
We cannot divide one with five, so we are giving here a decimal point and adding a zero here. Okay, so we can write 5 2s are 10, and the remainder is zero, and our final answer that is in the decimal form is 2.2. Okay, manje, we can write 11 divided by 5 in the form of 2.2. ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 5 असेल किंवा 2.2 असेल किंवा 2 and 1/5 असेल, दिस थ्री आर सेम. ओके, हे तीनही सेम आहेत, हे तीनही सेम आहेत, हे सगळ्यांना समजलंय? ठीक आहे, इज इट ओके? यस, इफ यू पुट डेसिमल पॉइंट देन झिरो विल कम एंड वी कॅन टेक एज मेनी झिरो एज वी वॉन्ट टू टेक. ओके, सगळ्यांना समजलं? कुणालाही काही डाऊट नाही आहे, बिकॉज आय एम गोइंग टू गिव्ह यू अ एक्झाम्पल अँड नाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑन युअर नोटबुक अँड यू विल बी पुटिंग युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स. ओके, चलो, नाऊ लेट मी सी द एक्झाम्पल. ओके, डू यू गाइज हैव बुक्स विथ यू? तुमची पुस्तकं तुमच्यासोबत आहेत का? सबको समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोगों की बुक आपके पास है देन प्लीज क्लोज इट. ठीक है, आपको खुद से करना है, आपकी बुक आप बंद करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. नाउ योर क्वेश्चन इज, यू हैव टू राइट इन द डेसिमल फॉर्म द गिवन नंबर इज 5 डिवाइडेड बाय 3. ओके, 5 डिवाइडेड बाय 3 यू हैव टू राइट इन इट्स डेसिमल फॉर्म. चलो ट्राई क्विकली एंड गिव मी द आंसर. दिस इज योर नंबर 5 डिवाइडेड बाय 3. 5 डिवाइडेड बाय 3 If anyone is having whiteboard installed in your mobile, then you can solve this example in that whiteboard, and I will allow you to present your screen to everyone. Okay? जर तुमच्याकडे व्हाइट बोर्ड नसेल तर तुम्ही नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचंय आणि चॅट बॉक्स मध्ये मला आन्सर लिहून पाठवायचंय. 0.6, 1.6, ओके, मोर, अजून. वेदिका, दॅट इज द क्वेश्चन, यू हॅव टू राईट आन्सर. ओके, जिन लोगों का आंसर 1.66 आया है द गॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, या नो स्क्रीन, स्क्रीन इसलिए हाइड की है क्योंकि आप लोग आंसर ना देख लो. या आई नो स्क्रीन इज नॉट विजिबल. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो. जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और जिन लोगों को समझ में आया है वो लोग नेक्स्ट एग्जांपल लो और सॉल्व करो. 2 डिवाइडेड बाय 11, 2 डिवाइडेड बाय 11. एग्जाम्पल सॉल्व करो, और जिन लोगों को पिछला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ. सो यू यू गाइस प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, और जिन लोगों को समझ में आया है दे कैन सिंपली सॉल्व द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ व्हाट वाज आवर एग्जाम्पल? इट वाज आई थिंक 5 डिवाइडेड बाय 3. ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड 5 बाय 3. 3 वन जा 3, करेक्ट, रिमाइंडर इज 2. 5 माइनस 3 दैट इज 2. नाउ वी विल गिव अ डेसिमल पॉइंट हियर एंड वी विल एड अ जीरो हियर. ओके, 3 6 जा 18, सो
So we'll write 18 here, and again the remainder is 2, and if we add the 0, then again we are going to get 1.666 and so on. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए था, एंड आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा. नो, वी हैव टू डिवाइड 2.11 इज इक्वल टू 0.88. निधि हैज गॉट द आंसर 5.5. नो, 5.5 कैसे आ सकता है आपका आंसर? देखो, एक ने आंसर 5.5 लिखा तो बाकी लोग कॉपी करके मत लिखो, अपना खुद का सॉल्व करो एंड देन राइट योर आंसर. देखो, यहाँ पे गौरव ने अकेले ने सिर्फ अलग आंसर लिखा है, 0.1818. वी विल क्रॉस चेक दैट आंसर. ठीक है, सबने सॉल्व कर लिया? जिन लोगों ने 5.5 आंसर लिखा है उन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, उन लोगों ने किसी एक का देख के सबने कॉपी करके यहाँ पे लिखा है. नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है. आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन अगेन टू शो यू द व्हाइट बोर्ड. सी, व्हाट इज आवर क्वेश्चन? टू टू डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिवाइड टू बाय 11. ठीक है, हमें 11 को 2 से नहीं डिवाइड करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है. ठीक है, जिन लोगों का आंसर 5.5 आया है उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने 11 को रखा यहाँ पे और 2 को रखा यहाँ बाहर. ठीक है, दैट्स व्हाई यू गॉट द रॉन्ग आंसर. तो चलो, अभी 2 को 11 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 0 लिखेंगे और एक डेसिमल देंगे, तो यहाँ पे हमें एक 0 मिल जाएगा. ठीक है, तो 11 वन जा 11. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 09. ठीक है, और हमने यहाँ पे एक डेसिमल दे रखा है सो दैट वी कैन टेक एज मेनी 0 एज वी वांट. एंड 11 एट जा 88. सॉरी, 8 अच्छे से लिखा नहीं गया है. 11 एट जा 88. सो 88 अगर 90 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा सो इट इज गोना बी 2. ठीक है, और फिर से अगर एक 0 हम ऐड करेंगे तो वी आर रिपीटिंग टू दिस स्टेप अगेन. मतलब हमारा ये जो पैटर्न है 0.181818 ये रिपीट होता ही रहेगा. ठीक है, सो आवर आंसर इज 0.1818 एंड आई थिंक ओनली गौरव हैज गॉट इट द करेक्ट आंसर. समझ में सब ना, सबको समझ आया? 0.1818 समझ में आया सबको? अगर समझ में नहीं आया है देन आई विल रिपीट इट. ठीक है, नो कॉन्सेंट्रेट. देखो, हमें किसको डिवाइड करना है? 2 को डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है. ठीक है, अभी मुझे बताओ, 11 के टेबल में 2 आता है क्या? 11 के टेबल में 2 आएगा क्या? नहीं आएगा. 11 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एक 0 चाहिए. हमें यहाँ पे एक 0 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लिख के एक डेसिमल देंगे. ठीक है, सो दैट वी विल गेट अ 0 हियर. नाउ 11 वन जा 11 एंड 11 टू जार 22, बट 22 इज ग्रेटर देन 20, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग 22 हियर. ओके, वी विल कंसिडर 11 ओनली. सो 11 वन जा 11. नाउ द रिमाइंडर इज 9. करेक्ट, द रिमाइंडर इज 9. नाउ एज वी हैव गिवन द डेसिमल हियर ऑलरेडी, वी कैन एड एज मेनी 0 एज वी वॉन्ट टू. मैंने क्या किया, ये जो रिमाइंडर 9 बचा था उस पर एक और 0 एड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल दे रखा है. ठीक है, हम अगर एक डेसिमल देते हैं तो उसके बाद में हम कितने भी 0 ऐड करते जाए हमें फिर से डेसिमल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर हम फिर से डेसिमल नहीं दे सकते हैं. सॉरी,
The screen got wiped out. I'll write it again. ठीक है, यहाँ तक थे हम लोग। नाउ 11 8 88 88 11 8 88। ओके, नाउ आई राइट 88 हियर। सो अगेन द रिमाइंडर इज 02। अभी 02 पे अगर मैं एक जीरो ऐड करूंगा तो हम पहले स्टेप पे रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहीं पे हम रिटर्न आ रहे हैं। तो हमारा फिर से यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आएगा, उसके बाद में फिर से रिमाइंडर 9 बचेगा, फिर से हम 8 लिखेंगे, फिर से हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर से हम 1 लिखेंगे, और ऐसा मतलब ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, दिस पैटर्न विल बी रिपीटेड। तो हमारा फाइनल आंसर जो है दैट इज 0.1818। दिस शुड बी द आंसर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर जिसको नहीं आया समझ में तो उसने घर जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टूड? जब मैं बता रहा था तो मेरी स्क्रीन दिख रही थी। ओके, चलो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, गिव यू एग्जाम्पल, आई एम हाइडिंग माई स्क्रीन। नाउ दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट। ओके, 13 डिवाइडेड बाय 4, राइट द गिवन नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म। 13 डिवाइडेड बाय 4, 13 डिवाइडेड बाय 4, आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, 13 डिवाइडेड बाय 4। चलो ट्राई एवरीबडी। टेक योर टाइम। थ्री पॉइंट टू फाइव आंसर आ रहा है। कब आया 3.25? यस साइली, इफ यू हैव व्हाइट बोर्ड देन यू कैन राइट द आंसर ऑन व्हाइट बोर्ड एंड यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन। यू हैव गॉट द रॉन्ग आंसर। 3.025 नहीं दो आंसर, आंसर शुड बी 3.25। सोहम कॉन्सेंट्रेट, समझ में आएगा? या सी साइली इज प्रेजेंटिंग हर स्क्रीन। सी शी इज सॉल्विंग द एग्जाम्पल। I will talk on behalf of her. Yes, I will continue. Thirteen divided by four is our given problem. Correct? 13 divided by 4 is our given problem. So what we have to do is we have to divide. Saily, please write 4 there, okay?
सी, 4 डिवाइडेड बाय 13, जिनको समझ में नहीं आया वो सब लोग देखो, शी इज सॉल्विंग फॉर यू। सी, 4 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, तो अभी 13 के नीचे साहिल ने 12 लिखा, सो द रिमाइंडर इज 1, ठीक है। अभी साइली ने वहां पे डेसिमल दिया एंड यहाँ पे एक जीरो ऐड किया, ठीक है। नाउ इट बिकम 10, नाउ 4 2 8, साइली यू कैन राइट बिसाइड इट ऑल्सो, ओके, उसके बाजू में लिखे लिखो तो लिखोगे तो भी चलेगा। यस, हाँ देखो, 10 माइनस 8, द रिमाइंडर इज 2 here. Now she have added one more zero in it, so the number became 20 and 4 5 is 20. So 20 minus 20 is remainder is 0. Yes, good. So the answer is, yeah. Finally, you can stop presenting now. Very good. See, समझ आया सबको? देखो उसने कितना अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया। अभी किस किस को नहीं समझ में आया? दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। प्लीज गिव योर रिस्पॉन्सेस, ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर, ओके निधि, यू आर कंफ्यूज, ठीक है, तो आई एम टेकिंग द लास्ट एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक, ओके। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू डिवाइड। सी चौधरी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस नंबर से किस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन नो इश्यू। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है, जो नंबर ऊपर रहता है दैट इज न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे रहता है दैट इज डिनोमिनेटर, ओके। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता रहेगा, तो हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। सो टेक द लास्ट एग्जाम्पल, टेक द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, 7 and 3/5, ठीक है, 7 and 3/5, आई एम शोइंग यू द स्क्रीन सो दैट यू कैन क्लियरली सी द प्रॉब्लम। 7 and 3/5, इसको आपको पहले इसके प्रॉपर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको इसको इसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द नंबर 7 and 3/5। लिख लिया सबने? चलो, गौरव ने तो आंसर भी डाल दिया, 7 and 3/5। निधि, 38 इज नॉट करेक्ट, 38 बाय 5 इज इट्स करेक्ट रैशनल फॉर्म, ठीक है, 38 बाय 5, वो डिनोमिनेटर भी आपको लिखना है। चलो, आपने अभी कन्वर्ट तो कर लिया, 38 डिवाइड बाय 5 कन्वर्ट तो कर लिया, अभी आपको आगे का सॉल्व करना है। क्विकली, आंसर शुड बी 7 डिवाइड बाय 6, एज साइली हैज गॉट
गौरव हैज गॉट, मानसी हैज ऑल्सो गॉट, एंड चौधरी, रणदिवे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके साकेत, योर नेम इज साकेत, थैंक यू। नाउ सी, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके होमवर्क के लिए भी रहेगा, ठीक है? सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स गिवन इन दैट प्रैक्टिस सेट। नाउ लेट्स डिस्कस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर एक्सप्रेस यूजिंग द साइंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, अभी आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो विदाउट लुकिंग इनटू योर बुक यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। आई विल रिटर्न टू यू एंड चेक योर आंसर। एवरीबडी प्लीज फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्विकली, इट इज वेरी इजी, इट शुड नॉट टेक। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग आई विल टाइप इट। 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फॉर मल्टीप्लीकेशन आई एम यूजिंग एक्स एक्स हियर। 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो हम हैव गॉट द आंसर 36। साइडी हैज गॉट द आंसर 48। Mansi has got the answer 56. So the answers are varying. Okay, Randhir has got the answer 46. Okay, Karthik, sorry. Okay, Gaurav has got the answer 28. देखो मतलब पांच छह लोगों ने सॉल्व किया और पांच छह लोग, वेदिका हैज गॉट द आंसर 16. मतलब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसका हम रीजन देखेंगे अभी, इसका भी हम रीजन देखेंगे। चलो, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया, उसी तरह ये हौसा को और मंगरू को ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, तो हौसा ने क्या किया, देखो यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 12, 6, 12, 6 जा 72। तो उसने पहले 72 को 6 से डिवाइड किया, 12 लिखा और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज लिखा। उसके बाद उसने मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, उसके बाद उसने मल्टीप्लीकेशन की, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड शी राइट द 4 हियर। ठीक है, सो 12 प्लस 4 द आंसर इज 16। लेकिन मंगरू ने क्या किया, देखो मंगरू ने पहले, सॉरी मंगरू ने क्या किया, 72 को 6 से डिवाइड किया, तो ही ऑल्सो गॉट द आंसर 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। बट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस 2 विद 2 ही जस्ट एडेड द 12 विद 2। देखो उसने क्या किया कि 12 को पहले 2 के साथ ऐड किया, मतलब उसने मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व नहीं किया। ठीक है, उसने पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व नहीं किया, उसने 12 प्लस 2 को पहले सॉल्व किया, सो ही हैज गॉट इट 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 28। मतलब जिस तरह आप लोगों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए, उस तरह इन दोनों का आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट आया। ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट आया, बिकॉज उन्होंने जो सीक्वेंस थी या जो ऑर्डर था सॉल्व करने का, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सॉल्व करने का जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर उन्होंने अलग अलग तरीके से फॉलो किया। ठीक है, नाउ समबडी विल रीड दिस पैराग्राफ। इज इट विजिबल टू यू? हु इज इंटरेस्टेड टू रीड दिस पैराग्राफ?
ओके, स्वयं यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू विल रीड द पैराग्राफ दैट आई विल शो यू. ठीक है, स्वयं यू कैन टर्न ऑन योर माइक. सर, ओके, जस्ट वेट, आई विल शो यू द स्क्रीन. इज इट विजिबल टू यू क्लियरली? यस सर, यस जूम इन प्लीज. यस. We got two different answers because the two children carried out the operations in different orders. To prevent this, some rules have been made which decide the order in which the operations are carried out. If these rules are followed, we will always get the same answer. When an operation is to be carried out first, it is shown using brackets in the expression. Rule वेरी गुड. for ठीक, simple. नो ठीक है, थैंक यू. इतना ही पढ़ना था, इट्स ओके. देखो, तो अभी जिस तरह तुम लोगों के आंसर्स अलग अलग आए, इन दोनों के आंसर्स भी अलग अलग आए, तो ये आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए. ठीक है, अगर हम 2 + 2 × 2 करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सेम आंसर आना चाहिए ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए. तो ये आंसर सभी का सेम आए, इसलिए क्या क्या किया गया कि कुछ रूल्स डिफाइन किए गए. ठीक है, कुछ रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं टू गेट द सेम आंसर फॉर एवरीबडी. सो व्हाट आर दोज रूल्स? रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन. इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर कैरिड आउट फर्स्ट इन द ऑर्डर इन विच दे अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देखो, हमें क्या करना है, पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखता है तो उसमें हमें पहले मल्टीप्लिकेशन और डिविजन सॉल्व कर लेना है. ठीक है, म्हणजे आपल्याला कुठल्याही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन सगळं काही दिलेलं जरी असेल तरीही आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा काय सॉल्व करायचं आहे की डिव्हिजन आणि मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करायचं आहे. कशा पद्धतीने सॉल्व करायचं आहे, आपल्याला लेफ्ट साइड कडून सुरू करायचंय आणि ज्या ऑर्डर मध्ये ते येत राहते. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन आलं किंवा डिव्हिजन आलं, जे पहिल्यांदा येणार ते आपण करणार कुठल्या साइड कडून, लेफ्ट साइड करून. ठीक है, सेकंड रूल काय बघा, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट इन द ऑर्डर इन विच दे अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बघा, आपले सगळे मल्टीप्लिकेशन आणि डिव्हिजन चे सिम्बॉल आपल्या एक्सप्रेशन मधले गायब झाले किंवा आपण ते सॉल्व केले, त्यानंतर आपण सब्ट्रैक्शन आणि एडिशन मध्ये येणार. बरोबर, तर आपल्याला एडिशन आणि सब्ट्रैक्शन कशा प्रकारे सॉल्व करायचे, लेफ्ट कडून राइट कडे सॉल्व करायचे आहे. ठीक है, इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन द ब्रैकेट फॉलो द अबव टू रूल व्हाइल कैरिंग आउट द ऑपरेशन. ऑन अप्लाइंग द अबव रूल वी सी दैट अवसास मेथड इज राइट वन. ठीक है, म्हणजे ज्यांचं ज्यांचं आंसर 16 आलं होतं त्यांनी रूल्स जे आहेत ते प्रॉपरली फॉलो केले आणि त्या रूल्सच्या अकॉर्डिंगली सॉल्व केलं, म्हणून त्यांचं आंसर करेक्ट आलं. ठीक है, आता तिसरा पॉइंट काय आहे बघा. तिसरा पॉइंट मध्ये असं सांगण्यात आलं की सपोज आपल्या एका एक्सप्रेशन मध्ये, हमारे एक एक्सप्रेशन में अगर कोई ब्रैकेट भी दिया गया है, ठीक है, तो ब्रैकेट के लिए हमें सेपरेटली ये जो रूल है वो अलग से लगाना है. ठीक है, मतलब हम ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन है उसको एक सेपरेट एक्सप्रेशन हम कंसिडर करेंगे, देन वी विल सॉल्व मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, लेट्स इवेल्युएट द एक्सप्रेशन बिलो. उससे पहले मुझे बताओ कि ये मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये किस तरह से अप्लाई करना है, ये सबको समझ में आया? सगळ्यांना समझ लो कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन हे जे ऑपरेशन आहेत ते कशा प्रकारे सॉल्व करायचे आपल्याला कुठल्याही दिलेल्या एक्सप्रेशन मध्ये. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स. यस साइली, यू कॅन पुट युअर क्वेरी इन द चॅट बॉक्स. फाइली अपनी क्वेरी लिख रही है चैट बॉक्स में, तब तक सबने लिखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. हमारे जो 3 रूल्स हैं एक्सप्रेशन सॉल्व करने के, ठीक है. देखो, गौरव बोल रहा है कि सर प्लीज सॉल्व 72 / 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है,
Sir, then it is like a boar moth. Yes, sir. It's actually not boar moth. It's a boar moth, I think. Okay. It's a boar moth. It's not Bordeaux. Okay. Make the correction. It's a boar moth. Okay. Yes. See, we'll solve one example so that you will get the clear idea. Now, we have to evaluate the expression given below. The given expression is 40 multiplied by 10 divided by 5 plus 17. ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है? हमारा पहला रूल बोलता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिवाइड डिवाइड का सिंबल या फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमें पहले उसको सॉल्व कर लेना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और किस तरह से सॉल्व करना है? इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब हमें लेफ्ट से शुरू करना है और लेफ्ट में जो कुछ भी पहले आए, डिवीजन पहले आए या फिर मल्टीप्लिकेशन पहले आए, हमें पहले उसको सॉल्व करना है और उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लेफ्ट से शुरू करेंगे तो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कौन से दो नंबर्स में है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 10। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है आई होप अच्छे से। ठीक है, या बोर्ड मार्क। ठीक है, तो हमने लेफ्ट से शुरू किया, हमारा जो पहला ऑपरेशन था दैट वॉज मल्टीप्लीकेशन, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 400 विच इज रिटन इन द लाइन बिलो दैट। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि अभी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 400 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 जैसे जैसा का वैसे लिखा और प्लस 17 दिया। फिलहाल के लिए हमने वैसा ही लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक और नया एक्सप्रेशन बन गया। इसमें भी हमें क्या करना है? सेम अप्लाई करना है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है? लेफ्ट से शुरू करके हमें वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। तो बघा, इथे अपन सुरू केलं लेफ्ट करून, तर 400 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 80। ठीक है, म्हणजे 400 ला जर आपण 5 ने डिवाइड केलं तर आपला आंसर काय येणार? 80 येणार। म्हणजे आपण ही जी डिव्हिजन होती ही पण सॉल्व करून घेतली। आता आता राहिलं कुठलं ऑपरेशन? दॅट इज ऍडिशन ऑपरेशन। ठीक है, सो 80 प्लस 17 दॅट इज 97। म्हणजे ह्या एक्सप्रेशन मध्ये पहिल्यांदा आपण मल्टिप्लिकेशन सॉल्व केलं, नंतर डिव्हिजन सॉल्व केलं आणि सगळ्यात शेवटी अपन एडिशन सॉल्व किया। ठीक है, सबको समझ में आया? देखो, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, फिर डिवीजन सॉल्व किया और उसके बाद में हमने एडिशन सॉल्व किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, सो आई एम हाइडिंग माई स्क्रीन एंड यू विल क्लोज योर बुक, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यू विल सॉल्व इट। देन डिवीजन फर्स्ट। यस गौरव, यस। सी गौरव हैज मेड सम चेंजेस, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही हैज रिटन डिवीजन साइन। ओके, मतलब 40 डिवाइड बाय 10 किया है उसने, और उसने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन लिखा और डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखा। तो पहले क्या करना है? जो लेफ्ट से ऑपरेशन आएगा वही करना है। ठीक है, चलो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यू कैन राइट इट। 80 डिवाइडेड बाय, आई विल ऑल्सो राइट विथ यू, 80 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट, 80 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 15 प्लस 8। जी हाँ, स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने हाइड की है। -3, मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के एग्जाम्पल दे दूंगा, बता भी रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं पैरेलल मेरे साथ। देखो, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 15 प्लस 8 -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो सॉल्व दिस। मैंने आपको तीसरा रूल क्या बताया कि ब्रैकेट के लिए हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट वी हैव टू कंसिडर एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन। आंसर इज 9। साइली हैज गॉट द आंसर 9। ठीक है, लेट अदर्स ट्राई ऑल्सो। ओके, 9। आप लोग इतने जल्दी आंसर दे रहे हो, आप किताब में तो नहीं देख रहे हो ना?
पुस्तकात नाही बघत ना, पुस्तकात नका बघू, सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. कार्तिक, हैव यू गॉट द आंसर? 8. रियली? ओके वेदिका, वेरी गुड, कीप ट्राइंग. गौरव हैज गॉट द आंसर 9. ओके साइली, गुड. ओके निधि ऑल्सो गॉट द आंसर 9. ठीक है, सबको आंसर लाइन मिल गया, सबको समझ में आया किस तरह से करना है. अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है साकेत, देखो. ओके स्वयं, ठीक है. सी, देखो, मैंने जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसमें एक ब्रैकेट भी था. तो मैंने बोला था आपको कि अगर कोई ब्रैकेट आता है तो वी हैव टू कंसिडर दैट ब्रैकेट एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन. ओके, सो आई एम कंसिडरिंग दिस 15 प्लस 8 माइनस 3 एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन एंड आई एम गोना सॉल्व दैट ब्रैकेट फर्स्ट. ओके, बॉड मास रूल जो कि साइली ने लिखा था चैट बॉक्स में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा. तो बॉड मास में जो पहला बी है दैट स्टैंड फॉर ब्रैकेट. ठीक है, दैट मीन्स इन एनी गिवन एक्सप्रेशन यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट. ठीक है, तो बॉर्ड मास का जो लॉन्ग फॉर्म है मैं आपको एट द एंड ऑफ क्लास बता दूंगा. अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. आपको इसी तरह से सीक्वेंस याद रखना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन, एंड इफ द ब्रैकेट कम्स इन देन वी हैव टू सेव सॉल्व दैट ब्रैकेट सेपरेटली. ओके, सो सी, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज 23. सो 23 इज रिटन हियर. उसके बाद में माइनस 3 एज इट इज, और बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो जैसा का वैसा हमने लिख दिया. उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से हम वी आर फोकसिंग ऑन ब्रैकेट. 23 माइनस 3 दैट इज 20. सो वी हैव सिंप्लीफाइड द ब्रैकेट एंड द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर द ब्रैकेट इज 20. 80 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 इज आवर लाइक नॉर्मल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेना है. देखो, हमने ब्रैकेट था इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट पे फोकस किया और ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, करेक्ट. अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है. तो अभी हमको हमारे सारे रूल्स अप्लाई करने, कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के. तो हम लेफ्ट से अगर शुरू करेंगे तो पहले हमारे पास क्या आया, डिवीजन आया. सो 80 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 4 एंड प्लस 5 इज रिटन एज इट इज. ठीक है, सो 4 प्लस 5 इज द मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आवर एक्सप्रेशन एंड 4 प्लस 5 इज 9. सो आवर फाइनल आंसर इज 9, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गॉट. ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया था उन लोगों को भी अभी समझ में आ चुका होगा. ठीक है, चलो. नाउ देयर इज वन मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल. बिफोर सॉल्विंग दैट एग्जाम्पल आई विल आस्क बडी टू रीड दिस पैराग्राफ. हु इज इंटरेस्टेड टू रीड, हु इज इंटरेस्टेड टू रीड दिस ब्लू बॉक्स, प्लीज पुट योर नेम इन द चैट बॉक्स. ओके साकेत, यू कैन रीड इट, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन रीड इट. साकेत, Yes, sir. quickly. Yeah, I'll show you the screen and you will read it. Yes, please read it. So where is the sun? Can you see my screen? The remember okay, sir, I got it. In the blue brackets may be used yeah. more than once to clear specify the order of the operations. Different kinds of brackets such as round brackets, square brackets, curly brackets may be used for this purpose. When solving brackets, solve the innermost brackets first and follow it up by solving the brackets outside in turn. ठीक है, नाउ यू कैन टर्न ऑफ योर माइक. सी,
यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मोर देन वन ब्रैकेट्स कैन बी यूज, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ब्रैकेट्स यूज किए जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है इस केस में, कौन से ब्रैकेट यूज किए जा सकते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज किया जा सकता है, स्क्वेयर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इस इन तीन टाइप के ब्रैकेट नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो अगर मोर देन वन ब्रैकेट्स आर यूज इन एनी एक्सप्रेशन देन वी हैव टू सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट, मतलब सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में उसके थोड़ा सा बाहर वाला, और सबसे लास्ट में उसके बाहर वाला, और एट लास्ट वी विल बी हैविंग द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू सॉल्व विद आवर गिवन रूल्स, ठीक है। सो इस पैराग्राफ से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो ये कि इनर मोस्ट ब्रैकेट जो होता है मतलब सबसे अंदर वाला, सगत आत मध्य जो ब्रैकेट होता है, सगत मधला ब्रैकेट जो होता है वो आपल्याला सॉल्व करायचा आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या बाहेरचा ब्रॅकेट आपण सॉल्व करणार, आणि सगळ्यात शेवटी जो मोठा ब्रॅकेट आहे किंवा सगळ्यात बाहेरचा ब्रॅकेट आहे तो सॉल्व करणार, आणि शेवटी मग आपण आपलं एक्सप्रेशन सॉल्व करणार। पण हा ब्रॅकेट सॉल्व करताना इनर मोस्ट ब्रॅकेट असेल किंवा त्याच्या बाहेरचा ब्रॅकेट असेल, आपले जे रूल्स आहेत ते सेमच असणार। कुठले रूल्स सेम असणार, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन ऍडिशन सबट्रॅक्शनचे, ठीक आहे। आपण ब्रॅकेट सॉल्व करतोय म्हणजे त्याच्यासाठी काहीतरी वेगळे रूल्स आहेत असं काही नाही, ब्रॅकेट आपण फक्त सगळ्यात मधला ब्रॅकेट, सगळ्यात आतमधला इनर मोस्ट ब्रॅकेट जो आहे तो आपल्याला सॉल्व करायचा, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, आणि तो सॉल्व करताना आपल्याला रूल्स मात्र सेमच वापरायचे आहेत जे की आपण आपले एक्सप्रेशन सॉल्विंग मध्ये वापरत असतो। आता इथे इथे एक एक्झाम्पल दिलेला आहे बघा, टू मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर ब्रैकेट इन इट राउंड ब्रैकेट 113 -9 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 राउंड ब्रैकेट क्लोज देन द स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज एट लास्ट द कर्वी ब्रैकेट क्लोज। तभी देखो इसमें सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है वो कौन से है, वो दो है यहाँ पे, कौन से है, 113 -9 वाला एक ब्रैकेट और 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 वाला एक ब्रैकेट। तो ये जो है ये हमारे पास दो सेपरेट एक्सप्रेशंस आएंगे, हमको सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया, देखो 113 -9 दैट इज 104 किया, दूसरा जो ब्रैकेट है उसको वैसे ही रख दिया। उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट पे जब वो फोकस कर रहे थे तो उन्होंने लेफ्ट से शुरू किया, 4 डिवाइडेड बाय 2 जो है उसका आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 और बाकी सारे एक्सप्रेशन जो सेम ही है, ठीक है। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ अंदर वाले दो ब्रैकेट से बात कर रहा हूँ, बाकी का बाहर का जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही है, ठीक है। अभी ये वाला जो ब्रैकेट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 वाला, उसको सिंप्लीफाई करके क्या आया, 26, मतलब 104 प्लस 26 यहाँ पे आ गया है। तो अभी जो हमारा स्क्वेयर ब्रैकेट है दैट इज द इनर मोस्ट ब्रैकेट, ठीक है, मतलब वो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट वो हमने सॉल्व किए वो जो स्क्वेयर ब्रैकेट है वो खुद ही इनर मोस्ट ब्रैकेट बन चुका है, तो वी हैव टू सॉल्व दैट। नाउ 104 प्लस 26 दैट इज 130, तो ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी बचा कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बचा, तो हमें पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 130 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 3250 एंड द टू मल्टीप्लाई बाय टू इज एज इट, ठीक है। तो 350 मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज 500। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना है। आई होप ये चीज आपको सबको अच्छे से समझ आती होगी और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट्स में किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 25 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। तो 25 वाज शंकर अभी सर, तो दो प्रैक्टिस सेट आपके होमवर्क की। यस शंकर सर, सर, यस सर, हाँ, मध्ये मध्ये तुमचा स्क्रीन गेला होता, त्यामुळे काहीतरी एक एक मिनिट मुलांना शेवटचं गणित कळलं नाही, त्या स्क्रीनला लॉक झालं होतं। ते दोन तीन ओके मुलांचे डाऊट्स आहेत की शेवटचं जे तुम्ही सांगितलं ते परत सांगा। जस्ट एक एक अर्ध्या मिनिटासाठी तुमचा स्क्रीन लॉक झाला होता। ओके, ते ओके सर, चौधरी ओके आई विल वगैरेंचे टेक इट कमेंट्स आहेत बघा। ओके यस सर, यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। यस यस यस, थैंक यू। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ?
ओके चलो ठीक है. सी इस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स है उनको पहले सॉल्व कर लिया है. म्हणजे सगळ्यात आतमधले जे ब्रैकेट्स आहेत ते आपल्याला पहिल्यांदा करायचे आहेत. तर इथे आपलं तर हे जे दोन राउंड आहेत ठीक आहे, 113 - 9 वाला आणि 4/2 13 वाला, हे दोन इनर मोस्ट ब्रॅकेट आहेत म्हणजे सगळ्यात आत बसलेले ब्रॅकेट आहेत. सो 113 - 9 104 पहिला ब्रॅकेट आपण सॉल्व करून घेतला. नंतर आपण दुसऱ्या कडे येणार ठीक सेकंड, पण आपल्याला अजून सेपरेट एक्सप्रेशन सॉल्व करायचं आहे. आणि ज्यावेळेस लेफ्ट कडून सुरुवात करू त्यावेळेस 4/2 दॅट इज 2 ठीक आहे. 4/2 म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला डिव्हिजन करायचे. सो 4/2 अँड मल्टीप्लाइड बाय 13 इज ऍज इट इज. तर हा ब्रॅकेट थोडासा रिड्यूस झालेला आहे सेकंड वन ठीक आहे. तर आपल्याला हा जो रिड्यूस झालेला ब्रॅकेट आहे हा कम्प्लिटली इलिमिनेट करायचा आहे. तर आपण काय करणार, 2/13 फोकस ऑन दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 विच इज 26. 104 ऍज इट इज आहे, मल्टीप्लाइड बाय 25 ऍज इट इज आहे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऍज, म्हणजे सगळं ऍज इट इज आहे. फक्त आपण जे इनर मोस्ट ब्रॅकेट आहे ते एक एक अंबर वन सॉल्व करत चाललो आहोत ठीक आहे. तर मग 2 मल्टीप्लाइड 13 ला सॉल्व केल्यानंतर इथे 26 आला ठीक आहे. म्हणजे हे दोन राउंड ब्रॅकेट जे होते ते आपण सॉल्व केले. अगोदर 113 - 9 सॉल्व केला आपला आन्सर आलो 104 आणि दुसरा आपण सॉल्व केला त्याचा आन्सर आलं 26 ओके. मग आता जो आपला स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट आपल्याला सॉल्व करायचा बिकॉज द स्क्वेअर ब्रॅकेट इज नाउ इनर मोस्ट ब्रॅकेट ओके. सो 104 + 26 दॅट इज 130 ओके. 104 + 26 विच इज बघा इथे फक्त ऍडिशन आहे त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही, इथे ऍप्लिकेशन डिव्हिजन वगैरे काही नाहीये. सो इट इज व्हेरी इझी टू सॉल्व दिस ब्रॅकेट. सो इफ सॉल्व दिस ब्रॅकेट वर डन 130. नऊ आपलं एक्सप्रेशन बघा एकदम शॉर्ट झालेला आहे, छोटं झालेला आहे आणि आपल्याकडे आता एकच ब्रॅकेट उरला आहे द आउटर मोस्ट ब्रॅकेट म्हणजे सगळ्यात बाहेर तो आता आपल्याकडे एक ब्रॅकेट उरलेला आहे. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दॅट ब्रॅकेट. 25 मल्टीप्लाइड बाय 130 दॅट इज 3250 अँड मल्टीप्लाइड बाय 2 दॅट इज 6500 ओके. या समजलं आता. जस्ट रिमेंबर यू हॅव टू सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रॅकेट फर्स्ट. That was the conclusion of that. Sir, in our school it is told that government has reduced the portion, sir. Sir, so in class that portion will be taken or not about math all subjects. Yeah, I'll inform you. ठीक है, समझ में आया सबको? होमवर्क समझ में आया? The practice set 24 and 25, these two are for homework. I think it's time to say bye-bye. So bye-bye everybody, you can leave the class. Bye-bye everyone. Yeah, the lecture is over now. You can leave the class quickly. Everyone. I am audible to all. सर पाठवते तुम्हाला, सर बोलून विचारतो.